जैन समाज की धार्मिक आस्था के प्रतीक सम्मेद शिखर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए भले ही केंद्र और झारखंड सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण निर्णय और घोषणाएं की गई है, लेकिन जैन समुदाय इससे कतई संतुष्ट नहीं है। समाज का कहना है कि जब तक सरकार इस समूचे पर्वत को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित नहीं करती, तब तक जैन समाज चुप बैठने वाला नहीं है, उसका संघर्ष जारी रहेगा। जैन समाज के प्रतिष्ठित समाज सेवी, उद्योगपति और निर्माण विहार जैन मंदिर के प्रधान धनेन्द्र जैन उर्फ धन्ना सेठ का कहना है कि मैं ये शिखर जी के लिए सभी देश के सभी जैन भाइयों से कहना चाहूँगा कि ये सरकार ने जो इसको ये कहा कि हम इसको पर्यटक स्थल नहीं बनाएंगे, मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ और सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ इसको पवित्र तीर्थ स्थल घोषित नहीं कर देती जब तक हम लोगों को चैन से नहीं बैठना है और ये इसको पवित्र तीर्थ स्थल ही घोषित करा के दम लेना है। इसके साथ ही धनेन्द्र जैन ने गुप्ती धाम गन्नौर में 20 से 26 जनवरी तक आयोजित होने वाले पंच कल्याणक महोत्सव में समस्त जैन समाज से शामिल होने की अपील भी की। यह आयोजन 20 जनवरी से 26 जनवरी तक होने जा रहा है। मैं देश के सभी भाई बहनों से अपील करता हूँ कि इस पंच कल्याणक में ये हिस्सा ले और अपना और समाज का और ये अपने देश का ये कल्याण करे। मेरी यही भावना है, सब लोग इसमें खुश होके चढ़ बढ़ कर भाग लें। गन्नौर गुप्ती धाम से संजय शर्मा की रिपोर्ट दैनिक भास्कर के लिए।